केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रहलाद जी, आज क्या फैसले हुए हैं, प्रधानमंत्री ने क्या संबोधन किया? गांधी जी 150 के ये अभी जो आ रहा है अक्टूबर 2 से, हर एक लोकसभा क्षेत्र में 150 किलोमीटर पदयात्रा करना, उसके लिए हर लोकसभा क्षेत्र में 150 ग्रुप बनाना पार्टी के, और कम से कम एक दिन में एक ग्रुप में एमपी जाना ही चाहिए, और सब पोलिंग बूथ कवर करके उसमें देशभक्ति का गीत और गांधी जी का जीवन के बारे में, फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, और प्लांटेशन के बारे में, ग्रीन कवरेज का बारे में, ये सब के बारे में एमपी और जो हमारे नेता पदयात्रा करते हैं उसको सबको अवगत करना, ये प्रधानमंत्री जी का एक कॉल है। उसके पूरे वर्कआउट करने के लिए पार्टी में एक कमेटी बनेगी, कमेटी पूरा वर्कआउट करके एक कार्यक्रम पार्टी की तरफ से चलाए। संसदीय बैठक में प्रधानमंत्री अलग अलग नसीहत देते हैं, काफी महत्वपूर्ण होता है ये जब सत्र चल रहा होता है, सांसदों को ये कहना उपस्थिति को लेकर। उपस्थिति तो बाय एंड लार्ज अभी अच्छा है, फिर भी हम अभी कोशिश कर रहे हैं 100% उपस्थित रहे, ये तो प्रधानमंत्री जी का करें। और केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी कह रहे थे बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं और उसके बारे में बता रहे थे। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।